ये तो जी था इनका। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पंच जो मेरी है, मेरे हिसाब से गुरु ने पंच हथियार कहा था। तो 1878 में ब्रिटिश पास लॉ आर्म्स एक्ट कि इंडियंस कैन नॉट कैरी देयर वेपन्स की ओर, इन्होंने राजपूतों से भी छीन लिया। उससे देखो उसके 3 साल बाद मैकॉलिफ 1881 में कह देता है कि हर सिख को 5K करने चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट रिप्लेस्ड द ट्रेडिशन ऑफ 5 वेपन्स विद दैट ऑफ 5 रिलीजियस सिंबल्स नोन एज 5Ks। राइट, इट इज नॉट सरप्राइजिंग एमए मैकॉलिफ हु फेथफुली ऑफर्स सिंह सभा मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन रोट इन 1881 दैट अंग्रेज ने क्या करना था कि हथियार छीन लेते कि ये नहीं कि हमारे ऊपर उपद्रव कर दे, और दूसरा इनको डिवाइड करना था हिंदू सिख को। तो इन्होंने ये मैकॉलिफ लिया भैया, जैसे आर्म्स एक्ट पास होता है 1878 में, 1881 में आ जाता है। 1881 से पहले कोई किताबें नहीं लिख रहे थे हथियार, 5 हथियारों की बात है। ये सिंह सभा ने अंग्रेजों के चक्कर में ये इन्होंने अपनी पूरी सारी कहानी बनाई हुई। ये मैकॉलिफ था जिसने आज जो मॉडर्न सिखिज्म है उसमें को गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी से कोई लेना देना नहीं है। उसका था कान सिंह नाभा और ये भाई वीर सिंह, और ये दोनों थे इसके पट्टे मैकॉलिफ के। ये देखो जो मैकॉलिफ है, अब ये ना आप इसको पढ़िए, ये मैकॉलिफ ने जब सिख हिस्ट्री लिखी, मतलब ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट, और ये सारा आप ये देखो इसमें ये बता रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि जब तुर्क आएंगे वो मेरे खालसा उनकी ईट से ईट बजा देना, और तुर्क के बाद जब अंग्रेज आएंगे उनके साथ मिल जाना, अंग्रेजों के लिए काम करना, और मतलब पूरा पश्चिम सर जगह तुम्हारी ख्याति होगी, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा नाम मिलेगा और तुम्हें जोरू मिलेगी और तुम्हारे घर में खुशी होगी। ये पढ़ लो, ये मैकॉलिफ ने इसकी लिखी हुई है। The combined armies of the English and Sikhs shall be very powerful as long as they rule with united forces and bestow thrones on those who assist them. Then in every house shall be wealth, in every house happiness, in every house rejoicing, in every house religion, in every house learning and in every house a woman. हाँ जी, ये कहाँ से है? ये मैकॉलिफ है जिसने लिखा द सिख हिस्ट्री, दिस इज द ऑथेंटिक वर्जन। तो ये लिखी गई 1900s के अंदर, ये जो मैकॉलिफ है दिस इज, इसके ऊपर एसजीपीसी ने कभी नहीं कहा। आप एसजीपीसी का पढ़ोगे तो कहोगे मैकॉलिफ तो जी, क्योंकि वो सिंह सभा की लाइन ले रहा था, तो उन्होंने कहा मैकॉलिफ तो बहुत बढ़िया इंसान है। तो ये मैकॉलिफ काम करता था, जो अभी मैंने बताया ना जो 5 ककार लेके आया उसने, ये सिख हिस्ट्री लिखी है और एसजीपीसी इसको इस्तेमाल किया 1810 में, मतलब दिस इज महाराजा रणजीत सिंह टाइम। तो ये गुरु बंदा बहादुर की सेंचुरी बाद है, तो ये भी नहीं कि ऑर्गेनिकली इवॉल्व होगी। तो एक इसका नाम है, ये इंग्लिश कर्नल था, इसका नाम था मालकॉम नाम था, एंड ही रोट अ बुक ऑफ स्केच ऑफ द सिख्स, इट्स अ वेरी परसेप्टिव बुक, यू नो इट्स इनक्रेडिबल। तो ये जब जाके पूछता है कि वहां पे क्या हो रहा है, तो ये भी जो कहता है उसमें भी देखो ये 5 हथियार आता है। अब जो मैंने अंडरलाइन किया वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। He is then presented with the 5 weapons, a sword, a firelock, a bow and arrow and a pipe. और नीचे फुटनोट पढ़ रहा हूं, द गॉडेस ऑफ करेज भवानी दुर्गा रिप्रेजेंटेड इन द दसम पातशाह का ग्रंथ और बुक ऑफ किंग्स ऑफ गुरु गोविंद एज द सोल ऑफ आर्म्स और ट्यूटलरी गॉडेस ऑफ वॉर, कि जिसने अमर छक लिया, ये आगे पीछे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये बता रहा है जब वो छक लेता है तो उसको 5 हथियार दिए जाते हैं, और ये 5 हथियार की भी क्या इंस्पिरेशन है, दुर्गा भवानी है। अब ये देखो जो आपने भी लगाई, ये शिवाजी महाराज और ये जो आपने देखी ना कि दुर्गा भवानी उनको तलवार दे रही है, जो अष्टभुज है आप देख रहे हो ना, ये दिस इज अ वेरी वेरी फेमस इमेज है। गोल्डन टेंपल के अंदर ऐसी एग्जैक्ट सेम फोटो होती थी गुरु गोबिंद सिंह जी की, कि वो झुके हुए और दुर्गा भवानी जो, क्योंकि ये सारी शाक्त परंपरा है कि जो दुर्गा है वो जो वो उसकी अष्टभुज होती है वो तलवार देती है। और जो मैंने एक उसका बनाया भी, बस सारे रेफरेंसेज कि सारे 6 sources यूनानिमस है इसमें, बिकॉज फॉर शॉर्टेज ऑफ टाइम की गुरु गोबिंद सिंह जी ने नैना देवी पर तपस्या की थी और आज भी उनका चला रहा है, उसका सारा एविडेंस है हमारे पास। तो ऐसी फोटो एग्जैक्ट सेम हरमंदर साहब में होती थी जब तक ये अंग्रेज वाले सिंह सभा वालों ने उतार नहीं दिया। Near the Dukh Bhanjani Berry Tree in the Golden Temple Precincts, there is a room on the front wall of which is painted a picture. The picture depicts a goddess and Guru Gobind Singh. The goddess stands on golden sandals and she has many hands, 10 or perhaps 20. One of the hands is stretched out and in this she holds a khanda. Guru Gobind Singh stands barefoot in front of it with his hands folded. कि जो विष्णु होते हैं वो अपनी भूख छोड़ के तुम्हारी वो पालक है, तो उसके अंदर जो ग्रंथ भी है वो वैष्णव परंपरा ज्यादा, और उसमें भक्ति भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे माधुर्य है, जैसे मीरा की होगी कि वो बिलावट की होगी, वात्सल्य की होगी जो सूरदास की होगी जो बच्चे की तरह होगी, जो बाकी जो गुरुओं ने भक्ति की है वो दासियों की भक्ति की है कि उनको मान के अपना दास माना हुआ है। तो ये जो बाकी जो नामदेव जी ने भी की हुई है, जो कबीर जी ने की हुई है, तो ये बड़े जब आप धर्मयुद्ध करते हो तो आपको शाक्त में जाना पड़ता है। तो जो सिखी तो इतना ये इतना ब्यूटीफुल था, इसमें शाक्त और वैष्णविज्म दोनों था। आपको पता हो कि इफ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ गोल्डन टेंपल, दुख भंजनी बेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके आसपास बनना शुरू होता है। सो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पॉट्स की, मतलब इसका जो अपना क्या लेजेंड है, तो वहां पे ये लगा हुआ था, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी अंटिल 1897 की अंग्रेज आ गया। अंग्रेज ने कहा ये तो हिंदुइज्म है, ये तो पता नहीं कोई जाहिलियत है, ये पेगनिज्म है, ये पता नहीं क्या करते हैं, और तो मोनोथिस्टिक हो, इन्होंने रोला डालना शुरू कर दिया। तो ये 1897 की मैंने आपको अखबार की क्लिपिंग दी है, ये पुलिस नहीं कह रहा। तो तब तक हम कोई सिख नहीं थे, 1897 तक सिख नहीं थे, उसके बाद एसजीपीसी आए तो हम सिख हुए। हाँ, अब ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी जाते थे लड़ाई में, ये बैटल से ये अपने ध्वजा के ऊपर लगाते थे,
अब ये देखो इसके अंदर क्या बना भाई, देख रहे हो आपको 8 भुजाएं बनी हुई है इसकी। ये धर्म के लिए लड़ाई होती थी भाई इसके, ये दुर्गा, और इसके ऊपर जो आपको दांत दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं उग्रदंत। हाँ, ये अष्टभुजा उनका बैटल स्टैंडर्ड है, और इसके इसके दो उग्रदंत है, और इनका ये बहुत डीप मीनिंग है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी लेके युद्ध में जाते थे। तो ये जो इसको बड़े ध्यान से देखना, ये जो आपने झंडा बनाया हुआ ना, तो इसके ऊपर दुर्गा भवानी बनी हुई है, साथ में कार्तिक के ये भी शाख है, और साथ में हनुमान जी है, ठीक है, ये ध्यान से देखना बिल्कुल। तो ये बैटल स्टैंडर्ड होता था महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में, कि उनको भी पता, क्योंकि उस टाइम तो कोई अंग्रेज नहीं आया था, महाराजा रणजीत सिंह को भी नहीं पता था कि हम मतलब शाख हैं, कि हम दुर्गा को लेकर लड़ाई में जाते हैं धर्मयुद्ध के लिए। सो दिस इज द सिक्स स्टैंडर्ड। तो इन्होंने अब इसका कोई जवाब तो है नहीं, तो इन्होंने कह दिया कि महाराजा रणजीत सिंह जो था वो ब्राह्मणों के चक्कर में आ गया था, तो वो सारे ब्राह्मणों वाले काम करना शुरू किया। अब पहली तो बात ये है भाई कि फिर महाराजा रणजीत सिंह उसको सेलिब्रेट करना बंद करो, सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि खासा राजा, बट उसका तो सारा का सारा है, उसकी आप समाधि पे जाओगे तो फ्रंट एंड सेंटर गणेश बने हुए महाराजा रणजीत सिंह के, और आज अगर वो लाहौर में ना होता, अमृतसर में होता, तो वो तोड़ भाई तो इन्होंने कर दिया होता। आई एम शोइंग दिस, दिस वाज द सेम फॉर सेंचुरी, बिकॉज मैं दिखा रहा हूँ जो 1710 में, ऑफकोर्स यू नो इट इज नॉट अवेलेबल, वो राज्य को बता रहे हैं जी हम बंदा सिंह बहादुर से लड़के आ रहे हैं, और ये उसका हमने इतने मार दिए उसको, और ये उसका ध्वज है, और वो कहता है मेरी नजरों से पास ले जाओ, तो ऑफकोर्स इट्स नॉट एक्सटेंट, बट सी वॉट दे आर डिस्क्राइबिंग द फ्लैग, दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो हमारा जो खालसा राज का फ्लैग था 100 साल बाद, 125 साल बाद एक्चुअली, दैट हैपेंस इन क्या कहते हैं 1840s, आई एम टॉकिंग ऑफ 1710, सो 130 ईयर्स अगो, जो नीचे रेड फ्लैग, वो जो गोल्डन इंप्रेशन, और वो जो मंकी लायन, वो सारा का सारा वही है। This is one of the earliest manuscript of Dasham Granth. This is dated 1698. This is so old. ये मतलब 350, और ये पटना साहब में पड़ा, इसको पटना साहब भीड़ में, इसके अंदर उग्रदंती थी, ये जो ये मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो गुरुमुखी में लिखा हुआ है नमो उग्रदंती सवैया, ये जो लिखा है, तो ये उग्रदंती जो थी, ये तो 100 साल पहले उन्होंने उग्रदंती सारी की सारी शाख पाड़ी है, वो तो इतनी ब्यूटीफुल है, तो मतलब ये जो उसके सिर्फ 6 छंद है, और सारी की और उग्रदंती पढ़ी जाती थी, फिर शस्त्रनामाला की जाती थी, तो इन्होंने उग्रदंती को उठा के कह दिया ये है नहीं, इसको दशम ग्रंथ से बाहर मारो, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 1698 का ये जो दशम ग्रंथ है, इसके अंदर उग्रदंती पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप उग्रदंती की क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमने पहले भी देखे थे उग्रदंत, आप पता लगे, आप आगे चलो, आप इसके बाद मैं ना प्रथम गणेश बनाऊँ, मैं ना प्रथम गणेश बनाऊँ, मैं कृष्ण विष्णु कबूना थे, उनका सबसे पहला जो होता है ना, कोई भी जो है ये क्या कहते हैं एनीबडी हु बेसिकली जो सिख समाइट है, जो दिखाने के लिए हम हिंदू नहीं है, दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे वुड यूज। इसका ये मतलब था कि हम गणेश की नहीं करते, और वो क्या कहते हैं कृष्ण के आराधक, क्योंकि हम देवी पूजक हैं, जो कृष्ण है वो देवी की एक अंश है, तो 5 की यहाँ पे भक्ति होती है, गणेश, कार्तिकेय, शिव, अपना ब्रह्मा, विष्णु, देवी, और जो जिसको प्रथम मानता है उनको कहता है बाकी सारी उनकी लाइट है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ये कृष्ण अवतार है, तो कृष्ण अवतार में कृष्ण जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, बट उसमें ये कह रहे हैं कि असल में देवी ने ही कृष्ण बन के वो के कंस के केस लेके उसको मारा था। तो ये जो लिखी हुई है मेरा प्रथम गणेश मना, उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी देवी की पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाइन लेके ये हिंदुओं को गालियां निकालते हैं, उधर से आर्य समाज जी गुरुओं को गालियां निकालते हैं, ना किसी को पता है ना कोई पता है। आप इसकी नीचे लाइन देखिए, ऊपर लाइन देखिए, इस कॉम्पोजिशन का स्टार्ट देखिए, उसमें एंड देखिए, उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ से देवी देवी का महिमा मंडन शुरू होता है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे देवी का महिमा मंडन खत्म होता है। ये देखो जी, अब ये जो है ना जी जी, ये मैंने उग्रदंती का, अब ये देवनागरी में ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है जो पढ़ी जाती है, तेरे हाथ में पदम है, तेरे हाथ में गदा है, तेरे हाथ में चक्र है, तेरे हाथ में कटारी है, जो मैंने आपको सबसे पहले फोटो दिखाई थी दुर्गा माँ की, ये सारे जो उसके हाथों में है वो लिखा हुआ है ये। बट ऑफकोर्स यू नो इसे कि भाई अब ये नया जमाना आ गया तो इससे लड़ाई नहीं हो सकती, तो वो ये कहते हैं ये जो इसमें बंदूकें हैं, ये तोपे हैं, ये भी दुर्गा का रूप है, तो ये लिखा हुआ है तू ही तीर, मतलब तू ही, वो आपने बो एंड एरो देखा, तू ही कटार है, तू ही शंख है जो हमने आपको पहले दिखाया, तू ही पदम है, पदम मतलब लोटस है, तू ही गदा है, आपने गदा भी देखी जो मैंने आपको दिखाई थी, तू ही चक्र है, ये सारे के सारे ये देवी दुर्गा के पास होते हैं। पर उसके बाद कहते थे हाँ तू ही तोप गोला चलती, जो तोप से गोला चल रही है, क्योंकि भाई अब तो मॉडर्न टाइम में आ गया, तो गुरु जी तो हमेशा मॉडर्न बात करते हैं कि आर्टिलरी चाहिए, ये भी देवी का रूप है, ये पता नहीं हमें बाबा आजम के जमाने में लेके जाना था। बिल्कुल स्टैंडर्ड शाप्त है कि शिव भी होते हैं, वो चले जाते हैं, उनको भी नहीं पता, जैसे आप मार्कंडेय पुराण में लिखोगे उसमें लिखा हुआ है कि देवी का राज ना ब्रह्मा जानता है, ना हरि जानता है, ना हर जानता है, ये सारों में लिखा हुआ है। ये क्या करते हैं, ये हटा देते हैं देवी का, कि वो देखो ना ना इनके ब्रह्मे को पता है, ना इनके विष्णु को पता है, ये एसडीपीसी ने सारा का सारा किया, बल्कि सारा का सारा कि हम देवी को मानने वाले हैं, और वो क्या कह रहे हैं देवी की जगह जी ये तो अकाल पुरख है, ये वाहे गुरु है। अब ये देखो इसमें देवी को ही, ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है जो मैंने आपको बताया 1698 में, देवी को ही अकाल कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो विष्णु शिव और ब्रह्म और इंद्र जो बाकी सारे के सारे हैं वो देवी का रूप, आप पढ़ दो ये क्या लिखा हुआ, तू ही जगत जननी अनंत अकालम, तू ही अनदैनी सभन को संभालम,
तुहि खंड ब्रह्मंड भूमम स्वरूपी तुहि विष्णु शिव ब्रह्म इंद्र अनूपी। हाँ तो कितने कितने शिव हुए, कितने कितने अनूप का मतलब कितने इंद्र हुए, वो तू ही है, इसका ये मतलब है। इन्होंने देखा ये देखो जी इनके तो पता नहीं कितने शिव होते रहते हैं इनके, ये सारा का सारा एसजीपीसी ने किया हुआ है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अब ये बताओ या तो हालेलुया हो या कि सारा का सारा तुमने स्पिरिचुअल रूट्स ही तोड़ दी। ये भाई जो तुम अकाल अकाल करते रहते हो देख लो, ये देवी को अकाल कह रहे हैं, और जो बाकी सारे ये देवी के लिए कहा गया, इन्होंने सारा का सारा जो देवी के लिए था उसको कोई पता नहीं मोनोथिस्टिक गॉड बना दिया, और सारा का सारा उनको 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 मतलब ये इंटरप्रिटेशन किया भाई वीर सिंह और खान सिंह ने, जो ये एक उन्होंने सेकंड हैंड कॉपी ऑफ इस्लाम बनाया हुआ है सिखी को, इतनी पवित्र जो थी जिसमें लोग अपने बेटे उठा उठा के दे रहे हैं, और जो ठीक है जो कल्चर से थोड़ा टाइम चलता रहा क्योंकि ऊपर से बकवास चल रही है, कल्चर ठीक था बट ऑब्वियसली यू नो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर, एंड यू नो आप ये देख रहे हो कि औरतों को बिठा के दरबार साहब के अंदर चपेड़े मार रहे हैं, ये जो है सारा का सारा फ्रॉड है जी। एस जी बी सी नो ये तो गुरु की ऐसी की तैसी, जो हमने अपनी दुकान चुनानी है उस हिसाब से हमने सारा का सारा लिख दिया और ये चला हुआ सारा का सारा, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज एक्सपोज्ड दिस इन पब्लिक इन द लास्ट 100 ईयर्स।